नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल विधिटेरिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंकों के फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होते हैं, उनमें जो भी NPA होते हैं उनमें जो बैंक होते हैं वो लास्ट में यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर के 2 या 3 महीने बचे होते हैं उसमें वो OTS की सुविधा देते हैं। OTS एक ऐसी स्कीम होती है जिससे कि आप अपने लोन को 1 टाइम में ही सेटलमेंट करा सकते हैं यदि आप लोन को रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। इस कंडीशन में बैंक आपको OTS की सुविधा देती है, लेकिन ये जो OTS की सुविधा होती है वो हर एक को नहीं मिलती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कह दिया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको OTS अगर लेना है तो आपको कैसे अप्लाई करना है, आज के इस वीडियो में आपको पूरी बात डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, यह वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। यदि आपने भी कोई भी लोन लिया है और उसमें आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो बैंक आपके उस डिफ़ॉल्ट की वजह से आपको रिकवरी की नोटिस भेज रही है, अगर वह सिक्योर लोन है तो। और अनसिक्योर लोन है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, इसमें भी आपको OTS की सुविधा मिलेगी। OTS की सुविधा से वो क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी बातें डिटेल में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आपने कोई भी लोन लिया है चाहे वो सिक्योर लोन हो चाहे वो अनसिक्योर लोन हो, सिक्योर लोन में अगर आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और बैंक ने आपके ऊपर सरफेसी एक्ट में कार्रवाई शुरू कर दी है और 13-4 की नोटिस की नौबत आ गई है तो फिर आप इसमें बैंक से OTS कैसे ले सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी अनसिक्योर लोन है तो भी आप बैंक से OTS की सुविधा ले सकते हैं अगर आपका अमाउंट ओवर ड्यू हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है तो। देखिए दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले OTS की सुविधा के बारे में जानना है। देखिए OTS की सुविधा में सबसे पहले तो बैंक ये करता है कि वो सबको नहीं देता है, यह आप एज ए राइट के रूप में उनसे नहीं मान सकते हैं कि आप हमको देंगे देंगे देंगे, नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ केस फाइल कर देंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें बैंक की तरफ से OTS की सुविधा नहीं मिलती है तो क्या हम बैंक के ऊपर कोई केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं, तो ऐसे कंडीशंस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बैंक केवल अपने उन्हीं ग्राहकों को OTS की सुविधा देती है जिसको कि बैंक चाहे। तो पहली बात तो ये तय हो गई है कि OTS की सुविधा सबको नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि OTS स्कीम है क्या। देखिए OTS के माध्यम से बैंक अपने NPAs को कवर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में अगर आपका 10 लाख का ओवरड्यू है तो बैंक आपको बुला करके OTS की स्कीम देती है और कहती है कि ठीक है आपका जो 10 लाख का ओवरड्यू है आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि उस 10 लाख का 7 लाख में या 6 लाख में सेटलमेंट हो जाए। तो फिर उस 6 लाख को भी आपको एक मुश्त नहीं देना है, उस 6 लाख में 10%, 20%, 25% जैसे बैंक अपने OTS में आपको रिलैक्सेशन दे वैसे अमूमन 10% या 15% होते हैं। तो पहले आप जो भी सेटलमेंट होगा उसका 10% बैंक को आप देंगे और उसके बाद से जो भी रकम बचेगी आप उसको फिर 2-4 इंस्टॉलमेंट में जैसे आपके और बैंक के बीच में एग्रीमेंट होगा ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि OTS के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए OTS के फ़ायदे ये होते हैं कि आपके बड़े लोन को बहुत ही कम पैसों में ही सेटलमेंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि फिर इसमें किसी प्रकार की कोई झिकझिक नहीं होती है। मान लीजिए 10 लाख का लोन 7 लाख में सेटल हो रहा है तो आपका 3 लाख बचा ही बचा। अब इसमें क्या है कि इसमें दुष्परिणाम भी होते हैं, इसके दुष्परिणाम को भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग OTS की सुविधा के लिए बैंकों के चक्कर काटते हैं लेकिन कभी कभी बहुत दिक्कतें उनको होती हैं। तो ऐसी दिक्कतें क्या होती हैं, मान लीजिए कि आपने OTS की सुविधा ले तो ली, आपने 10% जमा भी कर दिया और उसके बाद जब बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा पूरा देंगे जो बाकी का बचा हुआ है, 7 लाख का 10% 70,000 रुपये हो जाएगा और उसके बाद जो भी पैसा होगा आप उसको 4 किस्तों में देंगे। अब इसमें आपको कोई और प्रॉब्लम आ गई और आपने पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे आपका जो OTS स्कीम है
वह कैंसिल हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर अगर बैंक चाहेगी तो आपको OTS देगी, नहीं तो आपको OTS नहीं देगी। तो इसमें ये भी दिक्कत होती है दोस्तों। ये था एक प्रकार से OTS के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप भी अपने लोन को OTS के माध्यम से सेटलमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही समझदारी से आप बैंकों से OTS की सुविधा लीजिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों यदि आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं और आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको लीगल एडवाइस मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।